पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नाम बड़े लेकिन काम बेहद छोटे। मेरठ की प्रतिष्ठित डिफेंस कॉलोनी की प्रबंध समिति में जो घोटाले में भ्रष्टाचार निकल कर सामने आया है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। कॉलोनी को रन करने वाली हत्सैनिक सहकारी आवास समिति मवाना रोड के पदाधिकारियों ने समिति को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान यूं ही तो नहीं पहुंचा दिया होगा। तभी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के संयुक्त आवास आयुक्त को संबंधित लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश देने पड़े। इस पर समिति सचिव हुकुम सिंह, सभापति रिटायर्ड मेजर महेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल पीसी चौपड़ा व लिपिक रहनुमा खानम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। खाते सीज हो चुके हैं, लिहाजा स्टाफ पैसे पैसे के लिए तरस रहा है। इन दोषी लोगों की गिरफ्तारी के लिए डिफेंस कॉलोनी के बाशिंदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में कई दफा गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों द्वारा कोर्ट से अग्रिम जमानत पाने का इंतजार कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे लेकर आरोप लगने स्वाभाविक है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट की खास पेशकश मुद्दा। इस संपूर्ण घोटाले का एक खास बिंदु यह भी है कि लगाए गए आरोपों की कई स्तर पर प्रशासन ने जांच कराई और सभी जांच में आरोप सिद्ध पाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी मेरठ की जांच आख्या का हवाला देते हुए इसी 10 सितंबर को संयुक्त आवास आयुक्त विनोद कुमार पटेल ने सहकारी अधिकारी हृदय राम पाल को लिखे पत्र में कहा है कि डीएम की आख्या में यह कहा गया कि समिति सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, लेखा लिपिक व रहनुमा खानम द्वारा लाभांश के रूप में अवैध वसूली कर धन की अनियमितताएं की जा रही है। वैध सदस्यों को एनओसी नहीं दिए जा रहे हैं। एनओसी देने के लिए सर्किल रेट मनमाने ढंग से तय कर सदस्यों से अवैध वसूली की जा रही है। समिति ने 16 प्लॉटों के विक्रय में कुल 2,17,00,000 से ज्यादा की वित्तीय क्षति पहुंचाई है। समिति पदाधिकारी द्वारा अलग से भी खाता संचालित किया जा रहा है, लिहाजा इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए। फर्स्ट बाइट की टीम को मवाना रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी निवासी राजेश त्यागी ने यह जानकारी। मेरा नाम राजेश त्यागी है जी। सन 1980 से मैं इस कॉलोनी में निवास कर रहा हूँ, बहुत पुराना निवासी हूँ। यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है जी। और घोटाला करने का तरीका है, सब जुडिस इन्होंने करा, अदालत के अवमानना करी है, फॉर्जरी करके कागज तैयार करे हैं, कूट रचना करी है, बहुत सारे काम इन्होंने जो जाँच में पकड़े गए डीएम साहब की। घोटाला करने वाले हैं आरके ये मेजर महेंद्र सिंह चेयरमैन, कोषाध्यक्ष बीसी चोपड़ा, क्लर्क रहनुमा खानम और सचिव हुकम सिंह, जो अभी भी आप देखो 467, 68, 120 के मुकदमा दर्ज है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही और अब भी समिति के अंदर बैठे, अगर आप जाके देख लोगे तो अब भी समिति में बैठे हुए मिलेंगे जी। और कम से कम 2,17,00,000 का घोटाला पकड़ा गया सर, और अभी जाँच होगी तो ये 10 करोड़ तक का घोटाला जाने वाला है जी। लेकिन पता नहीं पुलिस किस दबाव में इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। नाम भारत भूषण है, A-129 का मैं निवासी रहा। A-129 मैंने बेच दिया और बेचे के नाम पर मैं जब मैं एनओसी लेने गया 11 सितंबर 2020 को, तो मुझसे 40,00,000 रुपए मांगे गए। फिर धीरे धीरे करके ये हुआ कि तुम 20,00,000 रुपए दे दो, 10 की हम तुम्हें रसीद दे देंगे, 10 तुमसे नंबर 2 में ले लेंगे, हमें कैश में ले जाएंगे। मैं दलित समाज से हूँ और सर मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लगी और सर मैंने भीख मांग कर लड़की अपनी लड़की शादी के लिए, ये भी इन्हें पता है। और सर कोई हारी हो, बीमारी हो, किसी चीज के हमारे पैसे काट लेते हैं ये, पर ये सर ऐसा है क्यों? बिल्कुल भी जो छुट्टी देते हम सब लखनऊ में घेरा कर देते हैं योगी योगीनाथ का, हमें कोई छुट्टी मंजूर नहीं, धमकी और देते हैं कि जाओ हम तुम्हारा नाम काट रहे हैं किसी भी अफसर के साथ। इस मामले की अदालत में कॉलोनी वासियों की पैर कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रूपचंद शर्मा ने यह जानकारी। डिफेंस कॉलोनी की समिति है, उसके द्वारा 2,17,05,747 रुपए का गमन किया गया है और ये गमन किया गया है एक नकली प्रस्ताव बनाकर 2019 का, जनवरी 19 का, जो इंडक्शन जो बेचने वाले हैं उनसे 1/10 का लाभांश लेने के लिए किया गया है। जो बेचने वाले थे उनसे कुछ पैसा नगद लेते थे और कुछ आरटीजीएस में दाखिल करा देते, जिससे
समिति को लॉस होता था और इनके जेबें भरी जा रही थी, उसके लिए अभी FIR दर्ज कराई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बनी रहेगी हमारी इस पर बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट की, और हाँ, खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।